हेलो क्रिप्टो मार्शंस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एनीथिंग आई से इन दिस वीडियो इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग, बाइंग एंड सेलिंग एंड क्रिप्टो एसेट। कंसिडर ऑल द लेटेस्ट ट्रेंड्स, मार्केट फंडामेंटल्स बिफोर इन्वेस्टिंग एंड टेकिंग एनी डिसीजन। गाइज, इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, आपको गाइड करना है और अपडेट करना है उन तमाम न्यूज़ से जो कि क्रिप्टो से रिलेटेड हैं, जो दुनिया में हो रही हैं। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे एक टोकन डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि एक डीफाई प्ले है और ये इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिप्लॉय है और बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर ये लॉन्च हुआ था। इस टोकन का नाम बान ब्रिज है, इसका टिकर बॉन्ड है। इसकी अगर हम मैक्सिमम और टोटल सप्लाई की बात करें तो 10 मिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी 7 मिलियन है, 24 आवर वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम है 316 मिलियन है और फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप इसका 217 मिलियन है। इस पे इसके टिकर्स की बात करें तो डीफाई, डाओ, यील्ड फार्मिंग, गवर्नेंस एंड पैराफाई कैपिटल है। और क्योंकि इन मार्केट्स में ये ट्रेड हो रहा है, इसको हम देख लेते हैं स्क्रॉल करके नीचे। सो गाइस, ये बाइनेंस के ऊपर अवेलेबल है, क्वाइन बेस के ऊपर अवेलेबल है, यूनिस्वाप, क्यू क्वाइन, के डॉट आईओ, जेमिनाय, क्रैकिन, गे डॉट आईओ, बिटरेक्स, सुसिस्वाप, मैक्सी, फेमेक्स, बैंकोर, क्वाइनएक्स, ला टोकन, और यू नेम इट, जो भी टीयर वन की जो मेन एक्सचेंजेस हैं उस पे इजीली बाय और सेल हो सकता है और ट्रेड हो सकता है। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये बाइनेंस के लॉन्च पैड के ऊपर ये लॉन्च हुआ था और इसने लास्ट ईयर बुल साइकिल के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इसकी प्राइस बुल साइकिल के अंदर ऑलमोस्ट $75 तक चले गई थी और जब बियर मार्केट आई तो बियर मार्केट बॉटम इसने $2.17 का लगाया। कुछ दिनों से हमें डीफाई के अंदर बहुत सारे स्कैम्स भी नज़र आए, बहुत सारे जो डीफाई प्रोटोकॉल्स थे वो डूबते भी नज़र आए और कुछ दिनों से बाइनेंस के ऊपर डीफाई के अंदर कुछ टोकन्स के अंदर बहुत अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। इसी तरह से बॉन्ड के अंदर भी काफ़ी अच्छे गेंस आए हुए हैं इस वक्त और ये $2 से उठ के इसकी प्राइस ऑलमोस्ट आज $24 से चले गई है। सो इसका मार्केट कैप एज आई हैव टोल्ड यू, इसका मार्केट कैप तो ओनली 216 मिलियन का है। तो अगर हम आज की डेट में, चूँकि ये अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये इसने 75 का US डॉलर का टॉप लगाया था, तो अगर ये कहीं करेक्ट करता है, क्योंकि अब तक काफ़ी उसने अच्छा गेन ले लिया है मोमेंटम की वजह से, पॉजिटिव मोमेंटम की वजह से $24 समथिंग तक इसकी प्राइस शूट कर गई है। तो अब जब ये कूल्ड ऑफ होगा तो ये अच्छी डिस्काउंटेड प्राइस पे अवेलेबल होगा, तो हम इसको अगर आज की डेट में बाय कर लेंगे तो शॉर्ट टर्म में तो हमें प्रॉफिट आना ही वाला है, लॉन्ग टर्म के अंदर हम इसमें गेंस ले सकते हैं। और नेक्स्ट बुल रन के अंदर, जो कि हाविंग 2024 के अंदर होगी, उसके बाद जब इसमें बुल रन आएगा तो इसके अंदर हमें काफ़ी अच्छे गेंस नजर आते हैं। क्यों, एज वी हैव ऑल नोन के जब अच्छे एक्सचेंजेस पे एक टोकन ट्रेड हो रहा होता है तो उसके अंदर ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा होता है, बाय और सेल ज़्यादा होती है, तो उस वजह से इसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है। सो गाइस, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसको फाइनेंशियल ओपिनियन ना ली जाए। आई एम टेलिंग यू अगेन कि किसी भी टोकन के अंदर पोजिशन या उसको बाय करने से पहले आप अपनी मार्केट रिसर्च कर लें और फंडामेंटल्स को मद्देनज़र रखें, उसके अंदर लिक्विडिटी पोजिशंस को, उसकी जो उसके अंदर की लेवल्स हैं उसको मद्देनज़र रखें, फिर कोई भी पोजिशन लें और कोई इन्वेस्टमेंट करें। गाइज, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें और मुझे सजेस्ट करते रहें ताकि मैं अच्छी से अच्छी कंटेंट को प्रोड्यूस करूं और टाइमली आप तक वीडियोस पहुंचे रहें। थैंक यू।